तैयारी कर सकते इस चीज़ के बारे में। जैसे क्या होता है भैया कि कुछ बच्चे जो है ग्रामीण स्कूल में निवास करते हैं, कहीं ना कहीं वो गलत फहमी बना रखे हैं कि जब तक हम दिल्ली के मुखर्जी नगर में नहीं आएंगे और इसके लिए हम कोचिंग ज्वाइन ना करेंगे तो जैसे सिलेक्शन नहीं हो सकता, इसके लिए आप क्या करना चाहोगे भाई? देखो, कोचिंग एक माध्यम होता है बच्चों को एक मार्ग दिखाने के लिए। बच्चे की मेहनत ज़्यादा डिपेंड करती है कि बच्चा कितना मेहनत कर रहा है, किस फोकस लेवल पर, क्या उसका गोल है, कितने घंटे वो मेहनत कर रहा है, किस लेवल से, किस लगन से वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। और आजकल तो गांव के बच्चों को बड़ा फायदा हो गया है, ऑनलाइन टीचिंग चल रही है हर जगह और अपना ऑनलाइन पढ़िए, फोन पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई फायदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। कब से कर रहे हैं भाई? मेरे को 6 साल हो गए भाई। 6 साल से PSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका शायद सिलेबस पूरा ना हुआ होगा, बीच में लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे, वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनका लॉकडाउन कंप्लीट होगा तो उसके बाद भाई स्टेट पी सी एस अपना सेकंड में लेके चलना पड़ता है। अगर एक बार वो पी सी एस कौन सा भैया कौन सा भैया से मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और भी संचालन निवास करते हैं और वो बच्चा कहीं ना कहीं इफेक्ट कर सकता है मुखर्जी नगर में रहने के लिए, और हो सकता है कि बैकग्राउंड पुअर हो बट कहीं ना कहीं उनके माँ बाप सक्षम है कि नहीं मेरे बेटे मुखर्जी नगर में ही पढ़े, तो उन बच्चों के लिए आप क्या करना चाहोगे यहाँ के कुछ सुविधाओं के बारे में? जैसे क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे पीजी हैं, बहुत सारे ब्रोकर मिलते हैं जो बच्चों को भटकाने के लिए मतलब काफ़ी उत्सुक रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे, सावधानी के लिए आप क्या करना चाहोगे भाई? उनके सावधानी के लिए ये अपना रूम लें, अपना एकांत में, क्योंकि पीजियों में ज़्यादातर हल्ला गुल्ला ज़्यादा होता है, लोग बच्चे दारू पीते हैं, हल्ला करते हैं, लड़की लाते हैं, इन सबसे UPSC वाले बंदे बच्चे एकाग्रता एकदम शांत माहौल हो उसे आके यहाँ रूम लेना चाहिए। पहली बार तो मैं तैयार नहीं करता, वो यहाँ है अपना आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, अपना ऑनलाइन घर पर ऑनलाइन क्लास दे रही है, देर भी ऑनलाइन क्लास दे रही है, और ये कोई बात नहीं, तुम यहाँ आके पढ़ाई करो तभी तुम्हारी पढ़ाई होगी, अपने घर रह के भी तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। यहाँ पर खाने की बहुत दिक्कत होती है, रहने की बहुत दिक्कत होती है, छोटे छोटे रूमों में 10-10 बच्चे रहते हैं, इन चीज़ों की बड़ी दिक्कत होती है बच्चों के लिए। बस एक ही बात है, अपना फोकस करें, पढ़ाई करें, मेहनत से करें, आ रहे तो किसी के चक्कर में ना फंसें। तो जैसे कि मैं बता दूं आप लोगों को कि भैया ये कहना चाहते हैं, आप लोग ये सूचित करना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कहीं ना कहीं मुखर्जी नगर आने के बाद अपने कॉन्सेंट्रेशन भंग कर लेते हैं और कहीं ना कहीं फंस जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि आप क्या होते हैं, पा रहे हो आपके माँ बाप सक्षम नहीं है कि आपको मुखर्जी नगर में रख सके, तो आप सिर्फ स्टडी करो, क्योंकि हमको अनुसार और भैया के अनुसार भी यह कहा जा सकता है कि कोई भी BCS पैरेंट हो आपको यही कहेगा कि कोचिंग का मात्र 1% योगदान होता है, आप कोचिंग करके सिलेक्शन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग में ज्वाइन कर लिए दृष्टि विजन के मतलब स्टडी मटेरियल पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन होगा, आप सेल्फ स्टडी बनाओ, ज़्यादा पढ़ करके कम नॉलेज हासिल करना मानता नहीं बल्कि कम पढ़ के ज़्यादा नॉलेज हासिल करना मानता है, ये बात आप थोड़ा कम ही पढ़ो बट इफेक्टिव पढ़ो। यहाँ के कोचिंग से क्या है कि यहाँ पे लिखा रहता है बैनर पे कि पढ़े वहाँ पे जहाँ पे टॉपर्स पढ़े, भाई क्यों पढ़े, पढ़े वहाँ पे जहाँ पे टॉपर्स पढ़े, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, सबकी अलग अलग कैपेसिटी है पढ़ने की, याद करने की, अरे हम वहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पे हमें समझ आएगा, ये एजेंडा बहुत चला रहा है यहाँ पे कोचिंग का, बहुत लोगों को बनाते हैं, पैसे लेते हैं, ओवर चीजते हैं और पढ़ाई यहाँ पे होती नहीं है, कोचिंग से एक माध्यम है दिक्कत यह है। जैसे बताते हैं कि हम लोग कई बार देखा गया कि यहाँ पे बच्चों को फीस बता दिया कि टीचर तुम्हें वो पढ़ाएंगे जो तुम्हारी ऑनलाइन क्लास होगी, तो उन्होंने रिकॉर्डेड क्लास में पढ़ाई जाती है, टीचर उन्हें आगे पढ़ाते नहीं हैं और उनके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो जाते, तो बहुत से बच्चे होते हैं और स्कैम भी चलता है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है सारा कुछ जो दिखता है होता नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को साफ साफ और स्पष्ट रूप से समझा दूँ कि भैया ये कहना चाहते हैं कि पहले एक समय था जब बच्चे मुखर्जी नगर में फैसिलिटी नहीं था, ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं था, अब तो ऐसा है कि बच्चा घर पर रहकर भी क्लासेज ले सकता है, मुझे ऐसा मतलब विश्वास है कि भैया जो आपको मोटिवेट किया 100% काम आएगा।